सो हेलो एवरीवन, ये है सेंचुरी टेक्सटाइल्स के क्वार्टर टू के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो 1247 करोड़ थी, जो अब क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर 1133 करोड़ यहाँ पर हो गई है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो डिक्रीज हुई है। आगे हम इस शेयर के टोटल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पर 1101 करोड़ थे, जो क्वार्टरली बेसिस में 1109 करोड़ यहाँ पर हो गए हैं। यानी इनकम डिक्रीज हुई है, लेकिन शेयर यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। आगे इस शेयर के जो है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी देख लेते हैं। 133 करोड़ इस शेयर का जो है ईयरली बेसिस में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था, जो अब यहाँ पर 45.90 करोड़ यहाँ पर हो गया है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी यहाँ पर जो है शेयर की वो डिक्रीज हुई है। अर्निंग पर शेयर जो है 8.59 पैसे था क्वार्टरली ईयरली बेसिस में, अब जो है क्वार्टरली बेसिस में 1.38 पैसे हो गया है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद हम देख सकते हैं शेयर के रिजल्ट यहाँ पर अच्छे नहीं रहे हैं। इस मंथ तक का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टारगेट 1100 रुपये के अबव आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी तो फिलहाल के लिए आप इस शेयर को होल्ड करिए, और इस मंथ तक अगर आप इस शेयर को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से अगर आप इस शेयर को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहें तो अपने ओन रिस्क में इस शेयर को आप जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से भी होल्ड कर सकते हैं। और फिर आगे देखते हैं अगले क्वार्टर में इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहेंगे।